सा मेहनत स्टूडेंट्स कर लेगा, थोड़ा सा मैं कर लूँगा तो बच्चे सीख जाएंगे, है ना। इस बैच को थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करवा देना है। चलिए लाइव हो गए, यस बहुत बढ़िया। तो आज के क्लास बिल्कुल ही बेसिक से होगा, और आवाज़ आ रही है साउंड, ओके चलिए गुड। बताऊं बच्चे, क्लास बिल्कुल आपका बेसिक से है, और आप जरा सा भी देर ना करेंगे आज का क्लास, ये मत सोचो। देखो हमने आपके लिए ना बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करा है, ताकि आप के अंदर कभी कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, अंदर से आप हीन भावना से नगजुड हो और आप सीख जाओ अंग्रेजी। तो बेसिकली आप जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, आपको सीखना है और अब बोलना है। तो इसके लिए करना क्या होगा वो समझिए। करना ये होगा कि जहाँ कहीं भी आप चल रहे हो, जहाँ कहीं सोच रहे हो, आपके दिलो दिमाग में अंग्रेजी आना चाहिए। और दिलो दिमाग में कैसे आएगा, तो शुरुआत से शुरू करना होगा। इसलिए हमने आज के से का भी लिखा है और के से खा भी लिखा है। तो क्यों ना हम लोग शुरुआत वहीं से करें जहाँ से बचपन लोग बच्चे करते हैं। तो मेरे साथ आप सारे बच्चे, जितने लोग हैं सारे बच्चों को शेयर कर दो फटाफट तेजी के साथ। एक बार जल्दी से अपना नाम लिख लो फटाफट फटाफट, सारे बच्चे नाम लिख लीजिए अपना। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लो फटाफट। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक बार मैं ऐप में सब लोगों को देख लेता हूँ। जल्दी से अपना नाम बोल दो फटाफट, सारे बच्चे अपना नाम जल्दी से फटाफट लिख दो। बैच नंबर 7, बैच नंबर 7 में सारे बच्चे हैं, लाइव क्लास है। थोड़ा सा कमेंट अगर मान लो नहीं चल पा रहा तो कोई बात नहीं, कमेंट की समस्या हो सकती है। अगर कमेंट, यस कमेंट हो रहा है तो लाइव क्लास यहां पे चल रहा है सारे बच्चों का। और लाइव क्लास के लिए आप देख पा रहे हो सारे बच्चे, राइट। तो जितने बच्चे ऐप में हैं, जितने बच्चे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप में हैं, और जितने बच्चे यूट्यूब पे हैं, सारे बच्चे एक बार अपना नाम लिखो फटाफट। सारे बच्चे एक बार नाम लिखो, यस कम ऑन। आज का क्लास आपके दिमाग को टच करने वाली क्लास है। आपका क्लास, आज का जो क्लास होगा वो आपके दिल को टच करेगा, और आज का क्लास आपके दिमाग को भी खोलेगा, क्योंकि बैच शुरू हो चुका है। अब देर ना करना, क्योंकि अब देर करोगे तो फिर देर हो जाएगा। कल हमने 3-4 प्रॉमिस लिया था, क्या याद है ना, कॉपी कलम लेकर बैठना है। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, हर चीज का जवाब हमने आपको कल दिया था। और आपने वादा किया था कि यस सर आई एम विद यू, कहा था ना आई एम विद यू सर, जैसे आप कहोगे बस सर सिखा दो अंग्रेजी। इसलिए हमने यहाँ पे टाइटल थंबनेल बनाया है कि के से का, एम से मा, एल से ला कमल, यहाँ लिखा कमल। तो हमने आज जो है ना, आज आपके लिए टाइटल भी लिखा कमल, कमल इस तरह से रमन आर ए एम, जापान या जापान जे पी एन, है ना। आप देखो क्या है, ये जापान है या जापान है, ये रमन है आर एम एन, या कमल का अंग्रेजी के एम एल, क्या होगा, ये तो होगा ही होगा। इसके साथ देखो शुरुआत बिल्कुल जीरो से। इस बार हमने एक अलग मेथड अपनाने का प्रयास किया है। इस बार जो मेथड है आपके लिए बिल्कुल अलग मेथड है। इस बार नहीं सीखे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना है। क्योंकि देखो सबसे पहला काम आज आप करो, पहला काम करो कि क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो। कर लिया सारे बच्चों ने, ऐप डाउनलोड कर लिया। उस ऐप में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे ऐप में जाकर के रिव्यू अच्छा कर लेना है, और बैच नंबर 7 ओपन करना है। बैच नंबर 7 में पढ़ने का प्रयास, नाम लिखा सब लोगों ने, एक बार नाम पढ़ लेता हूं फटाफट जल्दी से। यस गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आई एम सना खान, ओके सर, आई लव यू सर, लव यू बच्चे, लव यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू बेटा, लव यू, गॉड ब्लेस यू। आई एम प्रीति, यस अनुराग, यस सर, संतोष, ज्योति, ज्योति भी है, संतोष भी है, यस यहाँ पे बच्चे हैं। दिलखुश, अच्छा दिलखुश यहाँ पे है, दिलखुश, नाम इतना तेज बढ़ जाता है कि पढ़ नहीं पाता। शंभु कुमार, शिभु कुमार, प्रियंका कुमारी, अंकित कुमार, ठीक है चलिए। तो क्लास आगे बढ़ाता हूँ जल्दी से। तो अंकित कुमार ठीक है, क्लास चला जाएगा से। अब आप लोगों को धीरे धीरे जवाब देना है, धीरे धीरे आप लोगों को बात करते रहना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ काम। देखिए गौर से मेरे साथ बढ़िए,
बोर्ड पे नजर अगर टिकी है आपको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कैसे सीखते हैं क्या सीखते हैं। बोर्ड बिल्कुल व्हाइट लिया हूं लेकिन बोर्ड को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं। बिल्कुल बोर्ड को हमने ब्लू कर दिया ताकि आपको समझ बेहतर आ जाए, ठीक है। ब्लू बोर्ड बिल्कुल ले लिया हमने। अब थोड़ा सा समझिए मेरे साथ क्या करना चाह रहा हूं। पहला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, आप बचपन से पढ़ते हो, बचपन से कुछ मुद्दा समझिए। बचपन से आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भाई? बचपन से पढ़ते हो का, राइट? तो का अंग्रेजी आप खुद बताओ, के का मतलब का पढ़ा। देखो मैं बड़ा आराम से चल रहा हूं, आराम से। के से का बचपन से पढ़ा या नहीं पढ़ा, बोलो हाँ या ना। सारे बच्चों ने के से का पढ़ा ना, आपने पढ़ा होगा म, अंग्रेजी में एम, आपने पढ़ा होगा ल, अंग्रेजी में एल। प्रश्न उठता है कि के से का, एम से म, एल से ल, और इस हिंदी को अगर मैं मिलाता हूं, इस तीनों हिंदी को एक करता हूं तो बन जाता है कमल का फूल, और ये बन जाता है कमल। देखिए गौर से, इन तीनों को एक करता हूं और लिखता हूं तो हो जाता है एक कमल। तो इस कमल को क्या आप कमल पढ़ पाओगे? के से का तो होता है, एम से मा होता है, एल से ला, लेकिन कमल नहीं पढ़ोगे। आपको कोई लिखा मिल जाए तो आप कितने भी अंग्रेजी में ज्ञाता हो या फिर अंग्रेजी में जीरो हो, आप इसको के एम एल ही पढ़ोगे, कमल नहीं पढ़ोगे। आम आई राइट? देखो बेटा मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, कल भी नहीं पढ़ाया था, आज भी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी दो तीन क्लास आपके दिमाग में जाके ब्रश करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं। पढ़ाते हैं टीचर, मैं टीचर हूं ही नहीं, मैं आपका दोस्त हूं। मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, पढ़ाने का प्रयास नहीं करूंगा। इसलिए प्लीज मेरे यहां सीखने के लिए आइएगा, पढ़ने के लिए नहीं। आपके एग्जाम में नंबर अगर कम आता हो तो मेरे साथ जुड़िएगा नंबर बढ़ाने के लिए। आपको कहीं भी समस्या हो उसके लिए जुड़िएगा। तो आप बताइए, के एम एल, ए है कमल, एक कमल, तो क्या है कमल है? तो नहीं सर, एक मेल नहीं होगा, कमल नहीं है। तो आप कहोगे कि आखिर ये जो कमल है, समझना, सिर्फ कमल नहीं, दुनिया के सारे राइटिंग स्किल्स उत्पन्न। देखो जब आप लिखते हो तो आपके स्पेलिंग क्यों गलत होते हैं? कभी आपने कल्पना किया है कि आपके स्पेलिंग गलत क्यों होते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपको बेसिक पढ़ाता हूं तो आप वहां ध्यान देते ही नहीं हो। अब बताओ कमल, अब जरा सोचो गौर से कि ऐसा के से क्या तो होता है, एम से मा तो होता है, एल से ला तो होता है, लेकिन कमल के लिए के एम एल नहीं होता, तो होता क्या है सर? तो के एम एल तो होता है लेकिन बीच में ए लगाते हैं तब एक कमल हो गया। कहेगा सर कमाल हो गया, तो कमाल पढ़ूं कमल पढ़ूं, ये समस्या है ना। अब देखो इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसकी चर्चा करते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप मुझे लिख करके बताइए, हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं? हिंदी में लेटर्स की संख्या कितना, लिख कर जवाब दीजिए आप लोग। हिंदी में कितने पढ़ते हो लेटर्स, और अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश में कितने लेटर्स और हिंदी में कितने, लिख कर जवाब दी सारे लोग। हिंदी है, इंग्लिश में कितने लेटर्स? यस, हिंदी में कितने लेटर्स लिख के दो। काजल, काजल, नीता, मोनी कुमारी, 52, 26, 52, 26, 62। कुछ बच्चे 62 कह रहे हैं भाई। अच्छा 26, 32, 32 किस में, इंग्लिश में, हिंदी में? 52, 52, 26, 26, 26, 53, 44, 44। अच्छा अंकित कुमार 52, 26, ओके। सिंघम कह रहा है, नहीं, संजीवन कह रहे हैं 46, 46। अच्छा इसका मतलब है कि हिंदी सबका कमजोर है। हिंदी जो है सबका कमजोर है भाई, हिंदी सारे बच्चों का कमजोर है, इसका मतलब हिंदी सारे बच्चों का कमजोर है और अंग्रेजी सबका स्ट्रांग है। इसका मतलब हिंदी में कितने होते हैं? 52, और अंग्रेजी में कितने होते हैं? 26। आपको मैथ तो आता होगा ना, फटाफट देखो तो दोनों का आधा है कि नहीं। 26, 26, 2 जा 52, 26 दूना 52, तो बोलो दो हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि हिंदी का एक लेटर और अंग्रेजी का दो लेटर। कितना बढ़िया मेथड दे रहा हूं, हिंदी का एक लेटर अंग्रेजी का दो लेटर बराबर होगा। देखो बाजार बाजार है कि नहीं बाजार, हिंदी का
एक लेटर और अंग्रेजी का दो लेटर बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि आप बोलते हो का अंग्रेजी के, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि का नहीं का, अब इसका के होता है, यानी के का मतलब आधा का। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि 26-52 इन दोनों को तुलना करने के लिए, क्योंकि आप हिंदी को अंग्रेजी में लिखना चाहते हो। मेरे दोस्त, बड़े बारीकी से पढ़ा रहा हूं, जड़ समझ में आ जाएगा तो अंग्रेजी आसान। अब तक आपको टफ लगता है, आज की क्लास आपने कहा था ना कि सर वैसा बैच स्टार्ट करो जो बिल्कुल जीरो हो, का खा गगा से हो, ए बी सी डी से हो। हमने अभी बबले ए बी सी डी भी नहीं पढ़ाया, अभी ए बी सी डी से भी नीचे हूं। ए बी सी डी तो दूर की बात है, ए बी सी डी पे आऊंगा, लेकिन अभी मैं ए बी सी डी से भी नीचे 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 हूं। समझ में आ रहा बात को? तो आप समझो गौर से। तो हमने कहा कि 52 और 26, तो जस्ट हाफ। तो के का मतलब का नहीं, यानी का के नहीं, के से का नहीं, तो के का मतलब आधा का। कहां मिलेगा? मार्केट के किताब में नहीं मिलेगा, उसे काट देना। आपको मिलेगा डीएसएल के किताब में। कहां मिलेगा? डीएसएल के बुक्स में मिलेगा भाई साहब, ये सारा चीज मिलेगा डीएसएल के बुक्स में, कहीं नहीं मिलेगा। ये सब लिखने का हिम्मत मैंने किया है डीएसएल किताब में, यानी आपको डीएसएल मिलेगा। तो यहां पे के का मतलब आधा का, तो जितने भी तुम पढ़ते हो, जितने जी का मतलब आधा ग, समझ पा रहे हो ना, के एच का मतलब आधा ख, पूरा ख नहीं है ना, एम का मतलब आधा म, एल का मतलब आधा ल, बस समझ पा रहे हो ना, यानी सब आधा आधा आधा। अब इसको पूरा कैसे करें? तो इसी पूरा करने के लिए वोवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट दिमाग में लाया गया, यानी पांच जो वोवेल्स पढ़ते हो वो इसलिए पढ़ते हो कि ताकि बीच में उसे लाया जाए। और लाने के लिए जैसे आप बोलते हो क म ल, तो एक्चुअली सच्चाई क्या है कि क जो बोलते हैं ना वो क में आ छुपा हुआ है, यानी के एम एल और बीच में ए लगाते हो तब हुआ क म, और ला लास्ट में जो ला होता है वो खींचता अपनी तरफ, यानी आधा ही ला होता है, यानी कमल कमला कमल कमला कमल, यानी कमला नहीं है कमल है कमल है, इसलिए यह कमल होगा, कमल नहीं होगा, कमल कमल, ऐसे काम करना पड़ेगा। रमन, अब देखो लिख के हमें लिखा रमन रमन, ठीक है। अब आर से रा, एम से मा और एन से ना, बीच में लगा दिया, हो गया रमन, राइट। हमने लिखा ज प न, ज प न, अब देखो जे पी एन, अब ए लगा दिया तो हो गया जापान। अब जापान पढ़ो चाहे जापान पढ़ो, जो तुम पढ़ो, लेकिन अंग्रेजी में जे ए पी एन ही होगा, क्योंकि आप जापान पढ़ोगे तो भी जे ए पी एन और जापान पढ़ोगे तो भी जे ए पी एन। अब सुनार मुद्दा क्या हो? तो राइटिंग जो है ना, आपको दो वर्ड, यानी कि कोई भी अंग्रेजी का दो लेटर, दो लेटर बिना वोवेल के नहीं आते। जब भी आते हैं तो बीच में कोई ना कोई वोवेल वर्ड आता ही आता है, यह बात 99.9% सत्य है। एकाध परसेंट एकाध लेटर हो सकता है, लेकिन 99% दो अंग्रेजी के लेटर एक साथ नहीं आते। हिंदी के दो लेटर जो बोलता हूं ना कभी कभी, हे आपसे बात कर रहा हूं, चुपके चोरी लिख लेना कहीं बॉक्स बना करके, यानी मैं क्या कहा फिर सुनो, हमने कहा हिंदी में दो लेटर एक साथ आ सकते हैं। किसकी बात करा? हिंदी की। हिंदी का दो लेटर एक साथ आ सकता है, लेकिन अंग्रेजी का दो लेटर एक साथ नहीं आ सकता। हिंदी का दो लेटर एक साथ आ सकता है, लेकिन अंग्रेजी का दो लेटर एक साथ नहीं आ सकता। जैसे आप बोलते क्या हो, आप बोलते हो कट, हिंदी में दो आ गया, लेकिन अंग्रेजी में मान लो करना है सी मतलब और टी मतलब कट, तो गलत हो जाएगा, सी टी कट नहीं होगा, बीच में यू डालना पड़ेगा, कट। आप लिखते हो बट, बट तो बी डालना पड़ेगा और यू तब टी बट, अब इसको बूट नहीं पढ़ते बट, क्यों? क्योंकि वोवेल साउंड है। और ऐसे भी कहा था कि जब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होगा, आ, यानी वोवेल का बात मानना पड़ेगा तब जाके साउंड होगा, बट कट है ना, आप लिखते हो इस तरह से तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी हिंदी का दो लेटर एक साथ आ सकता है, लेकिन अंग्रेजी का दो लेटर एक साथ नहीं आ सकता। हिंदी का दो लेटर एक साथ आ सकता है, लेकिन अंग्रेजी का दो लेटर एक साथ नहीं आ सकता। अब देखो ना, जैसे आपको मैं दिखाता हूं, आगे बढ़िए थोड़ा सा, अब देखो दिखाता हूं, जैसे हम देखा
के से का, एम से मा, एल से ला, तो ऐसा कमल क्या होगा? गलत होगा, इसको ध्यान देना है। यानी ऐसा का लिखना क्या होगा? गलत होगा, और करना पड़ेगा क्या? कमल, तब जाके क्या होगा, कॉन्सेप्ट सही होगा। जैसा देखा आपने क्रांतिकारी इंग्लिश पर, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, जितने बच्चे क्रांतिकारी ऐप पे पढ़े आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए गौर से, यहाँ देखिए गौर से, अब देखो मैं लिख दिया हूं ताकि आपको लिखना ना पड़े। टोटल इंग्लिश साउंड उसके उच्चारण पर निर्भर होता है, इंग्लिश का टोटल साउंड जो होता है उसके उच्चारण पर निर्भर होता है, लेटर पर नहीं। जब आप का बोलते हैं तो अलग अगला शब्द जोड़ने के लिए अपने आप में आ, देखो अपने आप में आ लगा होता है, जैसे कमल में क जोड़ आ लगा है, माँ में आ लगा है और फिर ला, तो कमल हो गया। और इसको अंग्रेजी क में आ जो लगा है, ए लगाते हो, फिर एम लिखते हो, फिर आ के लिए लगाते हो और फिर ए लिखते हो, अब हो गया कमल। यही बात मैं पहले समझा रहा था आपको हिंदी से अंग्रेजी में। यहां तक बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हिंदी में वर्णमाला 52 सब लिख के दे दिया हूं, है ना, और उसके अंग्रेजी में 26, इसका मतलब पूरा आधा, ये 52 है 26 है, मतलब दो, यानी हिंदी का दो, अंग्रेजी सॉरी हिंदी का एक और अंग्रेजी का दो, ठीक है, हिंदी का दो अंग्रेजी का एक, यानी एक लेटर हिंदी का और दो लेटर इंग्लिश का होगा। जैसे अब रमन स्पेलिंग आप बोलो क्या लिखेंगे, आर ए एम ए एन, जापान या जापान जे ए पी ए एन, सुमन एस यू एम ए एन, अब देख रहे हो सुमन में कैसे हुआ एस यू एम एन, कहे लिखा हमने एस यू एम एन क्यों लिखा? आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सुमन में एस यू एम एन क्यों नहीं हो गया भाई, अब एस यू तो सू हो गया, मन एम एन, समझ पा रहे हो ना, ये लॉजिक समझिए। यानी लॉजिक कहता है एस यू एम एन नहीं होगा, एस यू एम ए एन होगा। अभी जो कहा वो नहीं समझे आप, हमने क्या कहा कि हिंदी में दो लेटर एक साथ आ सकता है लेकिन अंग्रेजी में दो लेटर एक साथ नहीं आ सकता, यानी एम एन नहीं हो सकता, सुमन करना पड़ेगा। अब आप लिख बताइए, अब थोड़ा साउंड में थोड़ा डिटेल पढ़ा दूं आज आपको, थोड़ा साउंड सिखा दूं, तब आऊंगा एबीसीडी पे, अभी बेसिक दे रहा हूं पूरा। मेरा इरादा इस पर पता है क्या है, आपको सिखा देने का, इस बार मेरा इरादा है सिखा देने का, बस चार पांच दिन हिलना मत, चार पांच दिन हिलना मत, एकदम कंटिन्यू बने रहना, तभी सीख पाओगे आप, तभी आपके अंदर आग लगेगी, चिंगारी लगेगा, तभी आप सीख पाओगे बेहतर तरीके से। क्या कहा? शॉर्ट ई लॉन्ग ई, साउंड पे जाओ बेटा, बचपन की कहानी छोड़ो कि दीर्घईकार हर्षीकार वो सब भूल जाओ। हमने बचपन से पढ़ा है कि शॉर्ट ई को आई बोलते हैं, लॉन्ग ई को डबल ई बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, शॉर्ट ई लॉन्ग ई, ये पता कैसे चलेगा, ये हर्षीकार दीर्घीकार को छोड़ो जो बचपन से पढ़ रहे हो, अब आपको शॉर्ट ई लॉन्ग ई साउंड बेस्ड, यानी आपको साउंड पकड़ना है। अब समझिए अकॉर्डिंग टू इसको देखा जाए तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अगर ऐसे साउंड हो, ऐसे इसमें हम डबल ई लगाते हैं और अगर ऐसे हो तो आई लगाते हैं, लेकिन यह कॉन्सेप्ट गलत होता है, मैं तो यहीं पे काट रहा हूं। कैसे? अब देखो शिवानी लिखा, इसमें एक ऐसे है और एक ऐसे है, देख रहे हो, एक ऐसे और एक ऐसे दिख रहे हो, एक इस तरह से और एक इस तरह से, है ना, तो इसमें डबल ई और आई आना चाहिए ना, आना चाहिए ना, देखो और से, अब इसका एश एच, देखो और से, शिशा का क्या होता है एश एच, और वा का क्या होता है वी, राइट, एन का शिवानी का ना, अब इतना ऐसे से शा, वी से वा, एन से ना, इतना आता है मुझे, क्लियर हुआ? हे कमॉन कहां ध्यान है जी, इतना आता है मुझे, बहुत सुंदर, गॉड 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 ब्लेस यू, बहुत सुंदर, यस यस, सारे बच्चे बहुत अच्छा, मुझे पता है आप सबको आता है, मुझे भरोसा है आप सारे बच्चे वेल वर्स्ड हो, ऑल ऑफ यू आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, ऑल ऑफ यू आर एट होम इन इंग्लिश, एट होम इन फ्रेज का प्रयोग किया, एट होम इन का मतलब होता है मास्टर, है ना, इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, इट जस्ट डायमंड डजन, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, इंग्लिश टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बिल्कुल जीरो से, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबको अंग्रेजी आता है, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं। अब देखो श व न, ये तो आता है ना, अब देखो शिवानी, अब होना चाहिए डबल ई चाहे आई, तो हमने क्या लिखा, शॉर्ट साउंड है शी, शिवानी, शिवानी, शिवानी नहीं, शिवानी नहीं, इसलिए यहाँ पे आई लगाएंगे, और यहाँ पे शिवा वा के लिए ए लगाएंगे, यहाँ भी आई लगाएंगे। अब देखो कहीं भी डबल ई आया क्या,
नहीं ना आया डबल ई, क्यों? डबल ई तब लगाते हैं जब साउंड थोड़ा सा लंबा खींचता है, डबल ई तब लगाते हैं जब साउंड थोड़ा सा लंबा खींचता, हल्का सा लंबा हो। जैसे देखो यहां क्या है, सीमा, सी सीमा, तो क्या हो जाएगा, एस डबल ई एम ए। इसलिए रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि ऐसा होगा तो ई, ऐसा होगा तो ऐसा, नहीं बेटा ऐसा साउंड, साउंड शॉर्ट तो आई, शॉर्ट लॉन्ग तो डबल ई, तो देखो सीमा। अब ऐसा ये में गलत हो जाएगा क्योंकि सीमा नहीं बोलते, सीमा सीमा थोड़ा सा खिंचता है, दीपा तो यहां भी डी डबल ई आ जाएगा। देख पा रहे हो, क्योंकि यह जो इस तरह का, इस तरह का भी था लेकिन यहां पे आया क्यों, शॉर्ट है, शिवानी शिवानी, यहां क्या है, दीपा दीपा, ठीक है, हिमालय, देखो यहां हिमालय, देखना अंग्रेजी में हिमालय नहीं हिमालया होता है, ध्यान देना आपको, तो हिमालया चाहो तो हिमालयाज करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी में हिमालय नाम का कोई वर्ड नहीं होता, हिमालयाज होता है, ये अभी आपको चलते चलते सिखला दूं, तो अंग्रेजी में हिमालय नहीं होता, हिमालयाज होता है, हिंदी में हम हिमालय बोल देते हैं लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, हिमालयाज, ये भी ध्यान देना बेटा, है ना। हीरालाल, अब देखो हीरालाल यहां पे आ गए हैं, तो हीरालाल क्या करना पड़ेगा, देखो और से हीरा, हीरा लाल, देख रहा हो, हीरा लाल, हीरा लाल, ठीक है, तो हीरा के लिए डबल ही करना पड़ेगा क्योंकि साउंड क्या है, हीरा लाल, हीरा लाल, यानी थोड़ा सा खींच रहा है तो खींचेगा तो हम लोग डबल ही लगा देंगे। यहां तक शॉर्ट की बात है, यानी कि आपको शॉर्ट ई और लॉन्ग ई का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। शॉर्ट ई क्या होता है, लॉन्ग ई क्या होता है, यह ज्ञान होना बेहद जरूरी है। मैं सीधा टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ गपशप नहीं कर रहा हूं। आगे देखिए, शॉर्ट ऊ और लॉन्ग ऊ, इस पर ध्यान दीजिए, ये सारे छोटे छोटे नोटी नोटी बच्चों के लिए दे रहा हूं और बड़े बड़े विद्वान विद्वान बच्चों को दे रहा हूं, आता सबको है, मुझे सबको भरोसा है, लेकिन मैं इस बार थोड़ा सा ना थोड़ा सा और बेसिक्स लेकर काम कर रहा हूं ताकि किसी बच्चों का छूटे नहीं, किसी बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो यहां पे लॉन्ग हु शॉर्ट हु, लॉन्ग क्या, साउंड बेस्ड, ये है शॉर्ट, अगर आपको शॉर्ट कर लिखना है ऊ के लिए ऊ लगा, यू लगा दो, और अगर थोड़ा सा लंबा खींचना है तो डबल ओ लगा दो, तो लंबा के लिए डबल ओ, छोटा के लिए यू। एग्जांपल देखो, मून मून खींचते हैं ना तो डबल ओ आ जाएगा, रूपा डबल ओ आ जाएगा, पूनम, अभी तो पूनम देखो, अब शॉर्ट भी है तो पी यू एन ए एम भी कर सकते हो, या फिर पी डबल ओ एन ए एम भी, पूनम भी कर सकते हो, यानी डबल ओ भी लगा सकते हो और पी यू भी कर सकते हो। अभी डिपेंड करेगा कि वो बंदा या बंदी लिखी कैसे है, यानी वो पूनम ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है। साउंड अगर शॉर्ट में पूनम तो पी यू, पूनम तो पी डबल ओ, ये डिपेंड करता है। रूपा में कुछ लोग आर यू पी ए भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन मून में कभी भी एम यू एन मत करना, गलत हो जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक है मून, ठीक है, लेकिन रूपा में ज्यादा अच्छा ए होगा, ए होगा, और पूनम में ए अच्छा होगा, ये ध्यान देना है। यानी चूंकि नाम है, अब नाम में कभी कभी लोग शॉर्टकट और शॉर्ट काम करते हैं, रूपा रूपा तो आर यू पी ए, रूपा आर डबल ओ पी ए, पूनम पी डबल ओ एन एम, है ना, इस तरह से काम आपको करना पड़ेगा तब जाके सीखेंगे। टोटल साउंड बेस्ड, रटना नहीं है, साउंड पे बेस्ड होता है। साउंड शॉर्ट यू का प्रयोग करो, साउंड लॉन्ग डबल ओ का प्रयोग करो, थोड़ा सा ध्यान देना है आगे बढ़ने का प्रयास। साउंड देखो ए, अब ये साउंड क्या है, ए ए साउंड, ए बोलते हो ना, जैन मैन चैन नैनीताल कैलाश, तो उसके लिए ए आई का प्रयोग करना। कैसे करेंगे, गौर से देखो, ये सब चीज ना बचपन में पढ़े हो आप, बच्चे थे ना पढ़े थे, लेकिन यहां पे सिखा इस रहा हूं कि आपको, मैं चाह रहा हूं कि आपको लिखना भी आ जाए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसलिए इस बीच में फिलर को भरने के लिए सिखा रहा हूं, फिलर है ना। अब देखो जैन, तो ज तो आता है जे से ज और एन से ना, जा आना आ गया, अब यही जो एन है ना इसी को पढ़ना है, तो ये जो डबल पाई जो खींचते ऊपर में ऐसे, इसका अंग्रेजी होता है ए आई, तो जा और ना का तो आता है, अब इसमें ए आई डाल दिया, हो गया ना जैन, देख रहे हो कितना मजा आ रहा है ना, जैन ज ना आ गया, देख रहे हो, तो जब बिल्कुल तोड़ तोड़ कर एक एक चीज तोड़ तोड़ कर पढ़ो मेरे बाबू मेरे बच्चे, तब समझ में आएगा, एक एक चीज तोड़ तोड़ के पढ़ो, तो जैन जे ए आई एन, अब देखो नैनीताल तो क्या आ गया भाई, देखो गौर से, एन एन टी और एल, देखो गौर से, देखो एन से ना, एन से ना, टी से ता, एल से ला,
एन एन टी एल हो गया। अब देखो यहाँ क्या लिखा, नैनी, तो ए न का एन ए आई नै, फिर आई हो गया नैनी। अब ताल देखो गौर से, नैनी ताल, मैंने कुछ किया क्या, क्या लिख दिया नैनीताल, इसको लंबी लिख दो आराम से, तो क्या हो जाएगा भाई एन ए आई एन आई टी ए एल नैनीताल। देख पा रहे हैं सब लोग, तो बड़े प्यार से पढ़ना आपको, ऐसी तरह सीखना है। अब देखो कैलाश, तो कैलाश के लिए के तो पता है, एल पता है और एस एच पता है, आपको एक एक लेटर सब सॉरी सब लिख करके मैं आपको दूंगा, सारा किताब भिजवा दूंगा आपके घर, तब घर नहीं अगर किताब नहीं मंगवाना है तो इस क्रांतिकारी ऐप को डाउनलोड कर लो, इसका पीडीएफ क्लास नोट्स में मिल जाएगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, इसलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं। अब देखो कैलाश, तो कै का हो जाएगा ए आई, लास का एल ए। अब जब मैं चेक करता हूं तुम लोगों का सही है कि नहीं, यह सारे बच्चे मस्त जबरदस्त क्लैपिंग कर रहा हूं सारे बच्चे के लिए, यानी सारे बच्चों ने जबरदस्त तैयारी किया है। यस मोहित कुमार, एक दो बच्चे का गलत हो गया बेटा, सब देख रहा हूं, दो चार बच्चे गलत हो गया है। यस सर, तो गलती नहीं होना चाहिए सर, मुझे इंग्लिश ही तो नहीं आता, तो नहीं आता तभी तो सिखा रहा हूं मेरे बाबू, इंग्लिश आता तो इतना बेसिक क्यों पढ़ाता, इसे पता है कि आपको आ रहा होगा लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, मुझे पढ़ाना बोरिंग लगता है ये सब चीज कि नैनीताल सब क्या पढ़ाऊं, लेकिन पता है क्यों, जरूरी चीज है, नहीं पढ़ाऊंगा तो अंग्रेजी नहीं आएगा बाबले, इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको, हर चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया तैयारी सर, 5 बजे होगा सर आज, सर रोज क्लास 5 बजे होगा डेली बेटा, अभी क्लास 5 बजे ही होगा बाबू, ठीक है ना, अभी क्लास 5 बजे ही होगा इसलिए कंटिन्यू 5 बजे रहे आप, ठीक है। तो सारे बच्चे ने लाइक शेयर किया, मैं बोलूंगा तब करो लाइक, तुम लोग लाइक शेयर नहीं किया जी, रुको एक मिनट लाइक करो फटाफट से, फटाफट लाइक बढ़ाओ, तुम लोग यार लाइक भूल गए थे क्या, लाइक करना, लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके बैठना है, अभी तक लाइक नहीं किया बताओ यार, 1600 लाइक है, बच्चा देख रहा है 2200-2500 है, लाइक करो इसे बराबर, देख रहा हूं लाइक, अभी तक लाइक बढ़ा नहीं है, अरे गुरु दक्षिणा क्या दोगे, कम से कम लाइक दो, एनर्जी मेरे अंदर आएगा। यस हाँ लाइक बढ़ाओ जल्दी से, यस हाँ लाइक करो, यस बहुत सुंदर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां तो हो गया, आगे बढ़िए अगला कॉन्सेप्ट, अब देखिए साउंड ओ कैसा है भाई, ओ, अब ओ का क्या होता है ए यू, ओ ए यू ऐसा ना, ऐसा के बाद साथ में ऐसा भी हो तो क्या करते हैं ए और यू लगाते हैं, यानी कि आपको देखो अब लिखना है कौर, किसी का नाम है जसमीत कौर, आपको जसमीत लिख दिया, कौर लिखना नहीं आ रहा, जा हुआ काम से, अब कौर लिखना नहीं आ रहा है तो करे तो क्या करें भाई, कौर लिखना नहीं आ रहा मुद्दा फंस गया, अब देखो आप कैसे तोड़ना, क रा के से क और आर से रा, क रा क तो आता के से क आर से रा, लेकिन आपको पता है कि के से नहीं आधा का, जब तक बीच में भौवेल नहीं आएगा वह शब्द पूरा नहीं होगा, वो शब्द को पूरा करना है तो बीच में भौवेल तो डालना ही पड़ेगा ना, तो वही भौवेल बीच में आ गया, अब साउंड क्या है ओ, तो क्या करना पड़ेगा ए यू, अब हो गया कौर, के ए यू आर, अब हो गया कौर, अब देखो ना कौशल, तो कौशल का के आता है, एस एच आता है और एल से ला आता है, इतना तो आता है ना कि एस ए से श, एल से ल और के से क, तो क्या किया कौशल, तो के ए यू एस एच एल, हमने क्या कहा था कि हिंदी में दो लेटर एक साथ आ सकते हैं लेकिन अंग्रेजी में दो लेटर एक साथ नहीं आ सकते, बीच में भौवेल डालना पड़ेगा 99%, बीच में भौवेल 99% डालना ही पड़ेगा, अब हुआ कौशल, यानी क्या लिखा तुमने के ए यू एस एच ए एल, अब हुआ कौशल, अब देखो गौर क्या है यहां पे, गौर समझ पा रहे बच्चे ना, टफ नहीं है, अब तुम लोग लिख के बताओ कि गौर और गौरी का स्पेलिंग क्या होगा, गौर और गौरी का, यस मैम चेक कर रहे हैं, गौर और गौरी का, बहुत बढ़िया, देखो गौर का स्पेलिंग एक लड़का गलती बता दिया जी ओ, अरे ओ नहीं है ए है, ए यू है, ठीक है ना, तुम लोग यहां भी गलती लिख रहे हो, गौर का स्पेलिंग बोलो, गौर का क्या लिखोगे जी, हाँ जी बोलो ए यू आर, बहुत बढ़िया, गौरी का जी ए यू आर आई, बहुत सुंदर, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, गुड गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर गौरी, गुड अच्छा जवाब, सीख पा रहे सब लोग, इसका मतलब है सारे बच्चे सीख रहे हैं। अगला देखिए साउंड म,
और न, ध्यान दीजिए, ए एम और ए एन, ये सब भौवेल का खेल है। ए एम और ए एन दो वर्ड आया है, तो वो दिख रहा है बच्चे, ए एम मतलब म और ए एन मतलब ना। अब देखिए गौर से, आप देखिए साउंड क्या है, साउंड। अब साउंड यहाँ पे साउंड आ रहा है म का, यहाँ पे साउंड आ रहा है न का। अब देखिए यहाँ पे है चम्बा, चम्बा, चम्बा म आ रहा है ना, तो सी एच आता है भाई, बा आता है, बी ए बा हो गया, च बा। अब म का साउंड क्या आता है, ए एम, तो क्या आ गया, चम्बा है ना, तो चम्बा के लिए सी एच से च, ए एम से म। इस बिंदु का, इस बिंदु का जो बिंदु दिया ना ऊपर बिंदु अनुस्वार, इस बिंदु का होता है ए एम और बी का चम्बा, ठीक है। अब जरा शंभू का लिख के दिखाओ, शंभु का, शंभु ऐसे से श, लिख के दिखाइए फटाफट से, लिख के दिखाइए ऐसे से श, बहुत अच्छे जवाब शंभु, बहुत सारे बच्चे ब्रिलियंट है यार। एस एच फिर ए एम, शम मा आ रहा है ना शम, और भू का बी एच यू, शंभु है ना। आगे देखो गंगा, गंगा का जी ए एन, अब देखो ना है, ना का क्या होता है ए एन, तो जी ए एन फिर से जी ए गंगा है ना। चंदर सी ए से च, ए एन से ना है ना, अब डी ई आर चंदर है ना, समझ पा रहे हो सबको। तो इस तरह से आपको बेसिक क्लास करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे, तभी काम कर पाओगे बेटा। कोई बात चंद्रा कर दिया है, सी एच एन डी आर ए नहीं होगा, अगर चंद्रा करोगे ध्यान देना बेटा, चंद्रा नहीं, तो बिहार वाले बच्चे होते हैं ना बिहार के, तो वो ऐसे करते हैं सी एच ए एन डी आर ए, तो पता क्या हो जाएगा, चंद्रा हो जाएगा। जैसे धर्मेंद्रा तो डी आर ए लिखते हैं, धर्मेंद्र करोगे तो डी आर, तो चंद्रा करोगे तो डी आर ए हो जाएगा, चंदर है चंदर, धर्मेंद्र तो दर करेंगे तो ई आर, और द्र करेंगे तो द्र, जैसे लिखते हैं पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्र या चंद्रा, ये चंद्रा हो जाएगा, ठीक है, ये चंद्र नहीं होगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तब जाके आप सीख पाओगे, तब बेहतर नॉलेज आपका हो पाएगा। मेरे कहने का सेंस क्या है समझिए, बेसिकली मैं पढ़ा नहीं रहा, सच्ची बात यही है, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। और आप सीखोगे कैसे, उसके लिए आपको अंग्रेजी में जड़ से काम करना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, और तब जाकर आप सीख पाओगे अंग्रेजी, तब इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो पाएगा। चलिए वापस आते हैं, और वापस आने के लिए मैं आपको वापस वहीं पे लेके चलता हूँ, उस क्लास की तरफ जहां से आप सीख पाओगे। बेसिकली इंग्लिश पढ़ने के लिए हमने कहा था, आखिर ऐसा क्या पढ़ें, इंग्लिश में ऐसा क्या पढ़ें कि हम लोगों को इंग्लिश आ जाए, और इंग्लिश बोलना भी, लिखना भी, और एग्जाम पास कर जाए। एक क्लास तो मैंने लिया बहुत ही बेसिक तरीके से, चंदर बंदर क्या है ये आपको करना सिखाया, कि वह चंबा मंबा का स्पेलिंग क्या होगा ये सिखा दिया, लेकिन वाकई एक क्लास का पैटर्न नहीं है। एक क्लास आपको सब आता होगा, लेकिन मैं मानकर ये चल रहा हूं कि यह जो बैच है 5 बजे का टेंस का बैच होगा, उसके लिए कुछ लिखना भी आपको आना चाहिए, कुछ बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप बेहतर कर पाओगे, बेहतर सीख पाओगे। तो कोई भी चीज आप पढ़ते हो, अंग्रेजी में शुरुआत करते हो, सीखने का प्रयास करते हो, बेटा एक चीज ध्यान रखना, हर चीज का कुछ नियम और कानून होता है। जैसा कि आपने अल्फाबेट वोवेल कंसोनेंट पढ़ा होगा, तो सर वहां से फिर से हम स्टार्ट करते हैं, वहां से जगाने का प्रयास करते हैं, तब फिर आगे इंग्लिश पे मैं आऊंगा। फिलहाल आपको एबीसीडी तो आता ही होगा, वहां तक चर्चा करते हैं। देखिए गौर से, हमें लिखा ए बी सी डी, देखिए ये पूरा का पूरा आपका क्या है भाई, तो पूरा का पूरा ए पूरा का पूरा पार्ट है अल्फाबेट का, ये पूरा का पूरा अल्फाबेट है, आपको आता भी होगा अल्फाबेट, ध्यान देना ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स मत कहना इसको, क्या है अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, अल्फाबेट्स मत कहना बेटा, ध्यान देना मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये डेमो क्लास है, बट आपका जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनके रियल क्लास भी है, इसलिए मत ये सोचना कि रिपीट होगा, आप कंटिन्यू कलम कॉपी लेके बैठना और जो बताता हूँ नोट्स कर जाना, हालांकि आपके पास ऐप में पड़ा रहेगा साल भर के लिए, आप इसको दोबारा तिबारा जितनी बार मन करे पढ़ते रहना, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आपके लिए पड़ा रहेगा। ये बैच लाइव के जैसा बैच है, बार बोल रहा हूँ लाइव के जैसा, लाइव के जैसा का मतलब है
कि एग्जैक्ट हूबहू लाइव नहीं मिलेगा, हो सकता है एक घंटा पहले का रिकॉर्डिंग है, हो सकता है 10 दिन पहले का होगा, लेकिन आपको कंप्लीट लाइव के जैसा मिलेगा। इसके लिए आप अलर्ट रहना, सीखने का प्रयास करना, आपका फोकस और मोटो होना चाहिए पढ़ने पे और सीखने पे, राइट। यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो हमने कहा ए बी सी डी ए ई आई ओ यू, ये 5 वर्ड आप बचपन से जानते हो कि ये वॉवेल होता है, वॉवेल्स। रेस्ट पार्ट को आप जानते हो कि ये कॉन्सोनेंट्स होता है, ए डब्ल्यू और वाई को जानते हो ये सेमी वॉवेल्स होता है, ठीक है। तो हमने कहा वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वॉवेल्स, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वॉवेल्स, ये 2-3 लाइन होते हैं कि ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं, रेस्ट पार्ट को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, डब्ल्यू और वाई को हम सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। इतना ज्ञान आप सबके पास होगा कि वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट्स है और सेमी वॉवेल्स है, ये पार्ट आपको पहले से ज्ञान होगा, इतना पहले से आप जानते होंगे, राइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन कभी आया है क्या कि वॉवेल 5 ही क्यों होते हैं, ये वॉवेल होते क्यों हैं, ये वॉवेल पढ़ते क्यों हैं, वॉवेल की आवश्यकता क्या है, कभी पूछा अपने आप से? नहीं ना, आप हमेशा जल्दी में रहे, तेजी में रहे कि सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ना बेटा ना, ऐसे मत करो, जल्दी का काम शैतान का, आराम से रिलैक्स में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्रम से आगे चलेंगे तब समझ में आएगा। तो ए ई आई ओ यू वॉवेल 5 क्यों होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है बी वॉवेल क्यों नहीं है, सी वॉवेल क्यों नहीं है, डी वॉवेल क्यों नहीं है, मुद्दा ये भी है, राइट। ये 5 ही वॉवेल क्यों है, राइट। ये सेमी वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट होता क्या, समझे। बेसिकली क्या है कि इंग्लिश में आज से हजारों हजार साल पहले कोई लैंग्वेज भाषा नहीं था, उसमें क्या था कि लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे, तो उस केस में क्या था कि हम लोगों का कम्युनिकेशन लैंग्वेज था, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो सामने समझ जाएगा कि खाना मांग रहा है, अगर आप ऐसे करते हो तो ये सुन जाएगा कि प्यासा है, पानी मांग रहा है। इसका मतलब हुआ कि आप इशारों में भी बात कर सकते हो, एक गूंगा आदमी भी इस दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो काम करते हो वो दुनिया में और लोग सर्वाइव कर सकता है, गूंगा भी, बहरा भी, अंधा भी इस दुनिया में जी रहा है, अगर उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है तो भी। अब कहने का सेंस क्या है वो समझिए, लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ते हैं वॉवेल कॉन्सोनेंट, ये बेसिकली आपके बॉडी से निकला हुआ साउंड है, ये कोई लिखित साउंड नहीं है, ये ए ई आई ओ यू ये लोगों ने बनाया है ताकि हर व्यक्ति यही पढ़े, ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, ताकि भाषा का विकास हुआ है, एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए लेटर का निर्माण किया गया, वरना लेटर नहीं था। इस दुनिया में हर चीज क्या है, साउंड। अब यहाँ पे समझ में आ गया, वापिस यहीं पे आऊंगा, इसको मैं छुपा देता हूँ ताकि वापिस मैं यहीं पे आऊंगा फिर, ठीक है, यहीं वापिस आऊंगा मैं। अब देखिए गौर से, यहीं पे मैं काम करूँ, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। अब वापिस आते हैं वॉवेल की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है बेटा, यस। अब देखिए गौर से, अब थोड़ा सा एक मिनट मैं लूंगा, देखिए गौर से, वॉवेल 5 ही क्यों होते हैं। आपने कभी भी आर्टिकल नाम का चैप्टर सुना होगा, सुना आर्टिकल चैप्टर, आर्टिकल चैप्टर का नाम सुना होगा, आर्टिकल ए एन, और सुना आपने कि ए कहां लगाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि ए लगाते हैं कॉन्सोनेंट से पहले, और एन कहां लगाते हैं वॉवेल से पहले। यह भी गलत सुन रखा है, यह भी आपने गलत ही पढ़ रखा है कि वॉवेल से पहले एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं। तो मुझे जरा बताइए गौर से, एक यू, यू तुम्हारा वॉवेल है कि नहीं है, है ना वॉवेल, जैसे पढ़ा हो भी, लेकिन यू का अगर साउंड देते हैं अम्ब्रेला, ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे दिल तक समझिए। दूसरा है यूनिवर्सिटी, मेरे दिल को समझ गए, दिल यहां होता है, अगर मेरे दिल को समझ गए ना तो दिमाग को समझ में आ जाएगा, मेरे बात तक पहुंच गया समझ में आपको आ जाएगा। एक बार देख लूं सारे बच्चे समझ पा रहे हैं सब लोग, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थोड़ा सा पढ़िए आराम से, टाइम दीजिए, समझ जाएगा। अब देखो यू अम्ब्रेला, इसको यू अम्ब्रेला पढ़ते हैं या फिर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोलना, आ अम्ब्रेला पढ़ेंगे, पूरा साउंड पहले का पढ़ेंगे, पूरा साउंड पहले का, तो बोलो वोकल है कि नहीं, आ अम्ब्रेला अम्ब्रेला अम्ब्रेला, तो इसका मतलब है कि वोकल कॉर्ड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एन लगाते हैं, यानी अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड,
वह शब्द जिसका उच्चारण वोकल कॉर्ड से हो उसके पहले आर्टिकल एन लगाएंगे। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इट टेक्स द आर्टिकल एन। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू आर्टिकल। मैं आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा मेरे बच्चे, आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ वोवेल और कॉन्सोनेंट का अस्तित्व क्या है, फिर मैं आगे बात करूंगा। तो हमने कहा अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इट टेक्स द आर्टिकल एन। अब देखो क्या लिखा, यूनिवर्सिटी, यू यू लिप्स काम कर रहा है ना, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, तो यहां पे लिप्स काम, यानी क्या, लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ टंग, विद द हेल्प ऑफ बॉडी, उसके पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। इसीलिए वोवेल और कॉन्सोनेंट का जन्म हुआ, यानी वैसा लेटर जिसका उच्चारण कंठ से होता है वहां एन लगाना, जिसका उच्चारण लिप्स टीथ टंग बॉडी से होता है वहां ए लगाना, ना कि वोवेल से पहले एन लगाना। ये वोवेल कॉन्सोनेंट का कोई अस्तित्व नहीं है, साउंड का वैल्यू है। इसका मतलब है कि हम लोगों को थोड़ा सा साउंड की चर्चा करनी पड़ेगी, फिर आगे क्लास आगे बढ़ेगा। एक एक बच्चा बोलना समझ में आया कि नहीं आया समझ में, एक बच्चा समझेगा, आगे बढ़ते हैं गौर से। अब देखो थोड़ा सा दिखता हूं, बच्चों साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, एक फोटो बना रहा हूं, आप भी बनाने का प्रयास करना जैसे मैं बना रहा हूं। मेरा अच्छा नहीं है लेकिन आपका अच्छा हो सकता है, आप कलाकार हो। एक कंठ को हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, एक टीथ है, यहां से जो बाहर निकलेगा कंठ से, यहां से जो बाहर निकलेगा उसको वोकल बोलेंगे, वोकल साउंड। और वोकल साउंड से पहले आर्टिकल हमेशा एन लगाना, चाहे वो दुनिया का कोई लेटर हो। वोकल कॉर्ड से कोई भी निकलेगा उसके पहले आर्टिकल हमेशा क्या लगाना, एन लगाना, ठीक है। वोकल कॉर्ड से जो स्टार्ट होगा एन लगाना। अब दूसरा चीज, इसी को हम बोलते हैं वोकल साउंड, इसी को वोवेल बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि कुछ लेटर ऐसे होगा जो लिप से होगा, टीथ से होगा, या फिर बॉडी का कोई अंग काम करेगा, उस तरह के साउंड को तुम कहना कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, और उसके पहले आर्टिकल तुम ए लगाना, यानी ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। यानी दो बात समझ में आया कि अगर साउंड तुम्हारा बॉडी के साथ आ रहा है तो उसके साथ ए का प्रयोग फिलहाल के लिए, फिलहाल जब मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल तो अलग कॉन्सेप्ट होगा, फिलहाल इतना समझते रहिए कि जब किसी शब्द का उच्चारण लिप्स टीथ टंग से होगा तो वहां पे आर्टिकल ए लगेगा, और जहां पे उच्चारण वोकल कॉर्ड से होगा वहां पे आर्टिकल एन लगाएंगे। ये दो बात समझ में आ गया आपको। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने एच लिखा, एच है तो प्योर कॉन्सोनेंट, लेकिन एच से ही पे दो साउंड लिखा, एच ओ यू आर, और एक लिखा H O R S E। अब देखिए दोनों का साउंड, दोनों में H O है, H O है, R S E, H O U R, लेकिन ऊपर का साउंड है R, मुंह खोला R, R, आवर, तो क्या लगाएंगे यहां, N। ये क्या है, हॉर्स, 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 सब तरफ काम कर रहा है, क्या लगा देंगे, A। बस समझ पा रहे हो ना, इसको हावर मत बोलो, हावर, हावर नहीं, आर, तो साउंड पर बेस्ड है, यानी आवर बोलते हैं इसलिए एन लगाया, इसको हॉर्स बोलते हैं इसलिए ए लगाया। तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा मामला क्लियर होगा। तो अब समझ में आया कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का क्या अस्तित्व है, यानी वोवेल का मतलब हुआ ए ई आई ओ यू नहीं, यही तो सिखा रहा हूं इतने देर से, मैं कर क्या रहा हूं, अरे वोवेल का मतलब ए ई आई यू नहीं, वोवेल का मतलब अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इट टेक्स द आर्टिकल एन, यानी वह शब्द जिसका उच्चारण मुंह खोल के किया जाए उसके पहले आर्टिकल एन लगाना, और वैसा वर्ड जिसका उच्चारण लिप्स टीथ टंग या शरीर के कोई भी अंग साथ दे दे, चाहे टंग हो, चाहे पैलेट हो, चाहे टीथ हो, चाहे कोई भी वन साथ दे दे, तो वहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग करना। इसको इंटरप्रेट मत करना, इसको आलतू फालतू लॉजिक मत करना, जैसे पढ़ा रहा हूं सीखना, यही सत्य है। बस मैं, क्योंकि स्टार्टिंग यही कहता है, बेसिक यही कहता है, अगर यह नहीं सिखाना तो आगे दिक्कत करेगा। तो मुझे ये बताओ कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, इस फोटो को आप लोगों ने बना लिया, समझ में आ गया क्या होता है वोवेल कॉन्सोनेंट, कोई दिक्कत है नहीं।
अब देखो गौर से, तो यहां तक समझ में अगर आ गया है तो आपको करना क्या है बेटा, देर नहीं करना। देखो यह बैच लंबा चलेगा, 4-5 महीने का बैच होगा, तो आप सब लोग तैयार है ना। दूसरा हमने कहा बैच लंबा चलेगा, तो आपको हमने कहा था क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर जाकर के, प्ले स्टोर पे जाना, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना। कर लिया डाउनलोड, डाउनलोड करने के साथ आप वहां पढ़ने का प्रयास करना। जब आप पढ़ोगे, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे आओगे, जब सीखोगे, तब आपको PDF नोट्स किताब सब मिलेगा। बैच नंबर 7 है, ठीक है, ये बैच लाइव के जैसा है, राइट। तो आपको पढ़ने में अलग आने, धीरे धीरे पढ़ना, रोक के आराम से पढ़ना, 1 साल तक पढ़ना, आपको डरने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो आपको चिंता करने कोई बात नहीं है। तो अभी मैं कुछ पढ़ाया नहीं, आज आपको बेस हमेशा पढ़ा रहा हूं, इस बेसिक से ही आप सीख पाओगे। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर हमको अंग्रेजी नहीं आता, आप भी नहीं बोलोगे, बस जो सिखा रहा हूं, अगर ये क्लास समझ में आ गया तो बेटा आगे भी सिखा दूंगा, अगर यहां पर दिक्कत है तो फिर इससे बेसिक और क्या पढ़ा सकता हूं, आप खुद सोचो ना, इससे ज्यादा बेसिक मैं क्या कर सकता हूं। मैं के सिखा ये पढ़ा रहा हूं, किताब दे रहा हूं, किताब आप मंगवा लोगे, बेसिक जाप पूरे, तो कल दिखा दो ना बेसिक वाला किताब, आज फिर दिखा देता हूं। देखो यहां से किताब कौन ले जाता है, देखो हाँ, ये बिल्कुल बेसिक वाला 20-25-50 पेज का किताब है, ऐसा ऐसा 12 किताब आपको मिलेगा, तो एक किताब अपने पास मंगवा लेना बेटा, ताकि आपको समझ में बेहतर आ जाए। किताब नहीं है तो PDF है ना इसी ऐप में, PDF के माध्यम से पढ़ो, सब क्लियर कर दूंगा, तब अच्छा कर दूंगा, भरोसा रखो धर्मेंद्र सर पे, वादा किया है पूरा करूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता ना करो, सिखा कर छोड़ूंगा आपको, ये मेरा वादा है, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे फिर से एक बार इसी टाइम में 5 बजे नए क्लास के साथ, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। नहीं है, ये बेसिकली बैच है जो आपको पढ़ाने के लिए है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा चीजें बनती है, ठीक है। कल मिलते हैं।